समिट के लिए भारत का मंच सज चुका है। नई दिल्ली G20 में शामिल दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जापान के पीएम फुमियो किशिदो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति समेत दुनिया के 20 देशों के नेता शुक्रवार से 3 दिनों के लिए दिल्ली में होंगे। और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, सतत विकास समेत तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन नेताओं के स्वागत के लिए पूरी दिल्ली सज गई है। सुरक्षा से लेकर यातायात और इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। दिल्ली की सड़कों को पेंटिंग, प्रतिमाओं, फव्वारों और पौधों से सजाया गया है। अब आपको बताते हैं G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएस और यूरोपियन यूनियन शामिल है। और इन्हीं के साथ साथ किन देशों को न्योता मिला है ये भी बताएंगे। इसके अलावा इस बार G20 समिट के लिए नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया को मेहमानों के तौर पर बुलाया गया है। यूक्रेन को G20 समिट का न्योता नहीं भेजा गया है। अब इसके आगे आपको बताएंगे कि G20 समिट में कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 में शामिल होने के लिए शुक्रवार को भारत पहुंचेंगे। वे यहां पीएम मोदी के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद वे 9-10 सितंबर को G20 समिट में हिस्सा लेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। सुनक की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसके अलावा जापान के पीएम फुमियो किशिदो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बनीज, द कोरिया के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी G20 समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा G20 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शामिल होने की संभावना है। हालांकि सऊदी की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ब्राजील, बांग्लादेश, इटली के राष्ट्रीय अध्यक्षों के भी नई दिल्ली आने की उम्मीद है। अब आपको ये बताएंगे कि G20 समिट में कौन से नेता नहीं शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समिट में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीन के पीएम ली कियांग चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 2008 में G20 समिट के बाद से ये पहली बार होगा कि चीनी राष्ट्रपति G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के दौरान शी जिनपिंग ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी समिट में हिस्सा लेने भारत नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले पुतिन दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। अब आपको इस खबर में अहम जानकारी ये दे दें कि कौन से नेता कहां कहां ठहरेंगे। अब आपको बताएंगे कि G20 समिट में आ रहे विदेशी मंत्री कौन कौन सी जगह पर कहां कहां ठहरेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ITC मौर्य दिल्ली में ठहरेंगे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक वहीं होटल शांग्रीला में ठहरेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द ललित होटल दिल्ली में रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो क्लेरिजिस होटल दिल्ली में ठहरेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदो द ललित होटल दिल्ली में ठहरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज इंपीरियल दिल्ली में ठहरेंगे। वहीं द कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ओबरॉय होटल गुरुग्राम में ठहरेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रसीप तैयब एद्रोआन ओबरॉय होटल में रहेंगे। चीनी पीएम ली कियांग ताज पैलेस होटल में स्टे करेंगे। ब्राजील प्रतिनिधि मंडल ताज पैलेस होटल में रहेंगे। इंडोनेशिया इंपीरियल होटल दिल्ली में रहेंगे। ओमान लोधी होटल में रहेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ग्रैंड हयात होटल गुरुग्राम में रहेंगे। इटली के प्रधानमंत्री हयात रिजेंसी, सऊदी अरब प्रतिनिधि मंडल लीला होटल गुरुग्राम में रहेंगे।